Next experiment is 2,4,6-dibromoaniline from aniline. That means the reactant is aniline. Product is 2,4,6-dibromoaniline. Okay. For this, we need some of the apparatus like. Apparatus we need is RBF beaker, then conical flask, water bath, reagent bottle. Separating funnel, measuring cylinder, pipette, spatula, etc. Chemicals which we needed are chemicals required is aniline. After that, glacial acetic acid, then bromine solution. Afterwards, we require ethanol and activated charcoal. We need instruments will require melting point for the melting pot apparatus for finding out the melting point of the product. Then vacuum pump to filter dry your product filtration. First of all, we will see the principle of this synthesis. In principle, first of all, I will write down the reaction. This is the aniline. Aniline is the इसके बाद इसको हम ट्रीट करेंगे ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH. तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमीन ये प्रोडक्ट मिलेगा. हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? आरबीएफ, कॉनिकल फ्लास्क, सेपरेटिंग फर्मेंटेशन, केमिकल्स में एनिलीन, ग्लैसियल एसिटिक एसिड, ब्रोमीन सॉल्यूशन, इथेनॉल एंड एक्टिवेटेड चार्ज. ये सब चीजें लगेंगी. रिएक्शन जो है ऑलरेडी आपको बताएंगे इस तरह की रिएक्शन. द अमाइलो ग्रुप एक्टिवेट्स द न्यूक्लियस टू सच एन एक्सटेंट सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. ये अमाइलो ग्रुप जो है वो एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है 2,4,6 यानी ऑर्थो और पैरा मींस अमाइलो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है. इस वजह से ये ब्रोमीन यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा. नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसका तो हम देखेंगे इसकी प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे. पहला स्टेप है कि प्रोप्यूअर 4.66 ग्राम अप्रोक्सीमेट या फिर 0.05 मोल इतना एनिलिन डिजॉल्व करना है. एनिलिन लेना है. okay. इसको हम डिजॉल्व करेंगे. डिजॉल्व 50 ml ग्लेसियर एसिटिक एसिड. इसको ये जो पूरा सॉल्यूशन आप बनाएंगे ये पूरा सॉल्यूशन आपको बनाना है आरबीएफ. तो पहले आएगा टेक आरबीएफ इन दैट ट्रांसफर 50 ml ग्लेसियल एसिटिक एसिड यानी एक आरबीएफ लो उसके अंदर 50 ml ग्लेसियल एसिटिक एसिड डालो और उसमें एनिलीन डालो तो डिसॉल्यूशन इजीली होगा और स्टर कर पाए. सॉल्वेंट पहले डालेंगे फिर सॉल्यूशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको ये जो सॉल्यूशन है हमने जो स्टेप करने बनाया उसको कूल करना है. कूल कैसे करेंगे? आइस या वाटर बाथ में इसको लेकर हम कूल करेंगे.
उसके बाद दोनों सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन को पुट करेंगे, उसके बाद दूसरा साइमल्टेनियसली हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कि 0.8 mL ब्रोमीन डिसॉल्व करना है 30 mL ग्लिसरिन एसिटिक एसिड, ओके इसको पुट करना है ये सॉल्यूशन को, उसके बाद इसको भी पुट करना है, पुट दिस सॉल्यूशन यानी दोनों सॉल्यूशन आपको कूल करना है। इसके हमने क्या किया है, एक दो सॉल्यूशंस बनाए हैं, फर्स्ट वन है एनिलीन इन ग्लिसरिन एसिटिक एसिड, इसको हमने कूल किया है, दूसरा सॉल्यूशन हमने बनाया है ब्रोमीन इन ग्लिसरिन एसिटिक एसिड, इन दोनों को हमने कूल किया है, उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन यानी ब्रोमीन का सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन में यानी एनिलीन के सॉल्यूशन में ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, सिंगल ड्रॉप ऐड करेंगे, अच्छे से स्टर करेंगे, फिर दूसरा ड्रॉप ऐड करेंगे, फिर स्टर करेंगे, तो क्या होगा जब आप ब्रोमीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो टेम्पररी उसमें कलराइजेशन आएगा और उसके बाद जैसे थोड़ा सा स्टर करें तो कलर निकल जाएगा, यानी ड्रॉपर्स आप ऐड करते ही कलर आएगा, फिर स्टर करेंगे तो कलर निकल जाएगा यानी डीकलराइजेशन होगा। आफ्टर द डीकलराइजेशन यू हैव टू अगेन ऐड ड्रॉपर्स, डीकलराइजेशन होने के बाद दूसरा ड्रॉपर को ऐड कर देंगे, उसके बाद रिएक्शन कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, पूरा एडिशन होने के बाद भी स्टर करो, बट जो स्टरिंग हम करेंगे वो होगा आइस बाथ के अंदर ही स्टर करना, यानी ये आपका आइस बाथ रहेगा, यानी समझो आपने केमिकल फ्लास्क लिया है, ये केमिकल फ्लास्क रहेगा, इसमें ये एनिलीन का सॉल्यूशन, इसमें आप ड्रॉपर्स ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो ब्रोमीन ऐड करते साथ इसको यही पर आइस बाथ में ही आपको स्टर करना है, इस बात के अंदर ही स्टर करना है, कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है, अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो उसमें जो ग्लिसरिन एसिटिक एसिड है वो सॉल्युबल होना स्टार्ट होगा, उसके बाद जब पूरा ब्रोमीन ऐड करेंगे यू हैव एडेड द कंप्लीट ब्रोमीन एडिशन हो जाएगा, पूरा ब्रोमीन आप ऐड कर देंगे, उसके बाद भी आपको 15 मिनट तक और स्टर करना है, 15 मिनट तक यानी डालते रहना है पूरा ब्रोमीन एसिड आप एडिशन होने के बाद भी 15 मिनट आपको स्टर करना है, उसके बाद 15 मिनट के बाद आपको इस सॉल्यूशन को पोर करना है कोल्ड वाटर के अंदर आप इसको पोर करेंगे तो उसमें क्रिस्टल्स और डिसिपेटेशन दिखेगा, उसको आप फिल्टर कर उसको ड्राई कीजिए, ड्राई करने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद आप इसको रिक्रिस्टलाइज कीजिए हॉट इथेनॉल में, हॉट इथेनॉल में डिजॉल्व होगा, कोल्ड इथेनॉल में डिसिपेट होगा, उसके बाद सबमिट, इसका भी आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है रिक्रिस्टलाइज का, और यहाँ पर भी आपको क्रूड का भी, दोनों में डिफरेंस देखने में प्योरिटी समझ में आएगी, इसका जो वेट है वो भी है, तो इसका क्या करेंगे, आपने लिया है 4.66 ग्राम एनिलीन, ये हो गया आपका आपका वेट टेकन, इसका फिर आपको थियोरेटिकल लिंक कैलकुलेट करनी है, थियोरेटिकल लिंक 4.66 लिया है तो मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करने होंगे रिएक्शन से, तो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद परसेंटेज मेल्टिंग पॉइंट, और इसका रिजल्ट रहेगा, फिर रिजल्ट इस तरह से लिखेंगे, synthesized
उसके बाद ओके थियोरेटिकल एम, प्रैक्टिकल एम, परसेंटेज एम और इस तरह से आपको नोट डाउन करना है। ओके यहाँ पर आपका कंप्लीट रिएक्शन 246 फाइब्रोमायलिन का सिंथेसिस हमने स्टडी किया। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।